हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज इंटीग्रेशन रिलेटेड आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ इनिशियल नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान, इनिशियल नॉलेज जो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ बताएंगे। इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे कि जब डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े होंगे तो डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स, ठीक उल्टा, इन्वर्स इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएशन में पावर वगैरह को हम लोग यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं, छोटा करते हैं, कम करते हैं, तो इंटीग्रेशन में ठीक उल्टा होगा, पावर इसमें क्या होगा इंक्रीज होगा। फिजिक्स वगैरह में भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल करके इंटीग्रेट कर देते हैं तो होल पार्ट का एरिया आ जाता है या वॉल्यूम आ जाता है। इंटीग्रेशन क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स है। जैसे मान लीजिए हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का और उसका रिजल्ट आ रहा है हमारा ये स्मॉल एफेक्स। डिफ्रेंशिएशन क्या किए, कैपिटल एफेक्स का रिजल्ट हमारा आया स्मॉल एफेक्स, यानी एक नया फंक्शन का वैल्यू आया। इंटीग्रेशन जो करेंगे इसका एफेक्स का, तो फिर हमारा ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कैपिटल एफेक्स, यानी हमारा जिसको हम डिफ्रेंशिएट किए और जो फंक्शन आया उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट किए, तो फिर हमारा वही फंक्शन आ गया जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे। यानी डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन से इनिशियल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, ये शुरू का नॉलेज, एक छोटा कह सकते हैं कि शुरुआत जो है इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, यानी अनुमान लगा कर, इंस्पेक्शन के द्वारा हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं कॉस 3x का, सेकेंड लेते हैं ई का 2x का, थ्री एक्स ले लेते हैं। इसको हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंस्पेक्शन मेथड से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि कॉस थ्री एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये हम कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि कॉस थ्री एक्स जो है साइन 3x का यदि हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो इसमें कॉस 3x आ जाएगा, और सेकेंड में ये 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आ गया, 3 cos 3x। तो हमको निकालना किसका है, इंटीग्रेशन करना है कॉस 3x का, कैसे, तो इंस्पेक्शन मेथड से अनुमान लगा करके। तो कॉस 3x का हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 3x को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 d/dx साइन 3x। अब देखिए कितना सरल ढंग से कॉस 3x का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। नाउ कॉस 3x और dx, कॉस 3x dx का क्या वैल्यू हम लाए हुए हैं, 1/3 dy/dx साइन 3x dx।
इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया इनवर्स प्रोसेस रहने के कारण, यानी इसका फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया 1/3 sin 3x + c। इस तरह से बहुत सरल ढंग से इनिशियल स्टेप में, इनिशियल कंडीशन में इंटीग्रेशन को हम लोग सीख लेते हैं। सेकेंड एक दिए हुए हैं e का 3x dx। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि e का 3x dx का डिफरेंशिएशन करने से क्या रिजल्ट आता है, e का 3x dx का डिफरेंशिएशन करने से क्या रिजल्ट आता है। तो dy/dx करेंगे e का 3x और 3x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में dy/dx e का x ही होता है। dy/dx करेंगे e का nx into n, यानी n e का nx। उसी तरह से dy/dx e का 3x का e का 3x, इसका सेकेंड में ये 3 यानी 3 e का 3x, यानी e का 3x = 1/3 dy/dx e का 3x। नाउ अब जो है उनको इंस्पेक्शन मेथड में किसका इंटीग्रेशन करना था, e का 3x का, तो e का 3x और dx, e का 3x का dx का ex के जगह पर हम ये वैल्यू बैठा सकते हैं जो लाए हुए हैं डिफरेंशिएट करके, 1/3 dy/dx e का 3x और dx, 1/3, और इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, e का 3x और प्लस c आ गया आंसर। इस तरह से इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग ये इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन को निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं अनुमान लगा करके। इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, इसमें शुरू कंडीशन में सिर्फ अनुमान ही लगाना है। तो अनुमान लगाने में सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि कॉस का 3x है, तो कॉस का 3x कौन सा फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करें कि कॉस का 3x आ जाए, कौन सा फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करें कि e का 3x आ जाए। सबसे पहले वही ध्यान देना है कि यदि कॉस का 3x कौन सा फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि साइन 3x को यदि डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस का 3x हमको मिल जाएगा। कॉस का 3x यदि मिल जाएगा तो कॉस का 3x का हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, 1/3 इसके नीचे ले आए dy/dx sin 3x। अब cos 3x जो इंटीग्रेशन निकालना था इंस्पेक्शन मेथड से, वहाँ पर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, वहाँ पर वैल्यू हम लोग बैठा देंगे cos 3x dx की जगह पर। तो cos 3x dx की जगह पर ये वैल्यू आया हमारा टोटल। इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/3 sin x + c। c क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट है, डिफरेंट वैल्यू c का डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का देगा। c जो है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी c का वैल्यू जो है सो नियत नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, इसका वैल्यू वेरिएट करेगा, डिफरेंशिएशन फिर वेरिएट करेगा, ये इंटीग्रेशन फिर वेरिएट करेगा, यानी नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे ये इंडिफिनिट है, यानी इस c का वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, c का वैल्यू यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल वैल्यू है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, इसलिए इंटीग्रेशन का भी वैल्यू चेंज होगा। सेकेंड हम बताए थे, सेकेंड जो इंस्पेक्शन मेथड से निकालना था e का 3x dx का, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि e का 3x dx जो है किसका डिफरेंशिएशन करने से क्या वैल्यू आएगा, बोले e का 3x dx कौन सा फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका e का 3x dx उसका वैल्यू आएगा। तो e का 3x dx को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e का 3x और फिर 3x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3e का 3x। तो हमको e का 3x चाहिए, तो 1/3 dy/dx के नीचे आगे 1/3 dy/dx e का 3x। अब क्या करेंगे, e का 3x की जगह पे वैल्यू को बैठा देंगे, जो हमारा वैल्यू ऑप्टेन हुआ यहाँ डिफरेंशिएशन करके, e का 3x का जो वैल्यू लाए यहाँ पर हम बैठा देंगे,
बैठाने के बाद क्या देख रहे हैं, 1 बाई 3 इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स ई पर थ्री एक्स और डी एक्स है। इस इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो गया, 1 बाई 3 ई का थ्री एक्स प्लस सी। इस तरह से छोटा छोटा फंक्शन को, छोटा छोटा जो फंक्शन दिया रहेगा, चाहे एक्सपोनेंशियल दिया रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक दिया रहे, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, किसी भी तरह का फंक्शन दिया रहे, उसको इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग जो है सो इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट एक सम और बता रहे हैं, इंस्पेक्शन मेथड में ही दिया हुआ है, इंस्पेक्शन मेथड में ही दिया हुआ है, नहीं समझ आने पर फिर बीच में पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत यदि इसमें आपको बुझा रहा है तो कमेंट करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, शुरुआती क्लास है इसलिए यदि आपको लगे कहीं कोई दिक्कत तो वो आपको ऐसा ये अपना दिक्कत को दूर कर सकते हैं। सेकेंड एक सम दिया हुआ है, एक सम दिया हुआ है कि इफ डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ (3y)x⁴ such that इस तरह से f2=0 then find fx। तो अभी बता रहे थे कि डिफ्रेंशिएशन जो है, ये इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स है, इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स है किसका, तो डिफ्रेंशिएशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ क्या है, जीनियन हमारे पास दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ 3x⁴ ऐसा दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इस इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो गया, हमारा एफ एक्स आ गया। इधर हम इंटीग्रेट करेंगे, x³ 3 डिवाइड डी एक्स x⁴। एक फॉर्मूला है x^n का, हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो x^n+1 n+1+c ऐसा होता है। अब हमारे पास 4x³ है, वहाँ पर एक पावर बढ़ेगा 4, नीचे फिर आ गया n+1 3+1 यानी 4 3। इसको इन्वर्स ऊपर कर देंगे, x⁴ डी एक्स इसे कैंसिल हो गया, एफ एक्स इक्वल टू x⁴ 3 x⁴ +1 -4 +1 +c प्लस सी। इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हमारा फाइनल आ रहा है x⁴ 3 x⁻¹¹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 
का क्यूब प्लस सी एफ एक्स इक्वल टू, प्रश्न में दिया हुआ है एफ टू इक्वल टू जीरो, एफ टू इक्वल टू जीरो, एफ टू इक्वल टू जीरो दिया हुआ था प्रश्न में ही। तो वहाँ से हम ये कोशिश करेंगे कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है उसका वैल्यू फाइंड करके वहाँ पर हम उसको बैठा दें, तो फंक्शन का हमारा वैल्यू आ जाएगा और उसको हम लोग फाइनल इंटीग्रेट फाइंड कर लेंगे। एफ टू, एफ टू इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू देंगे, टू का फोर यहाँ पर टू देंगे, टू का क्यूब प्लस सी, अब इसका वैल्यू दिया हुआ जीरो, टू का फोर मीन सिक्सटीन, टू का वन बाई थ्री यानी एट प्लस सी जीरो, इसको सॉल्व करेंगे फाइनल सॉल्व 129 बाई एट प्लस सी, सी इक्वल टू माइनस 129 बाई एट। दस दस द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आ गया, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज
एफ एच ई एक्स का 4 1 बटा एक्स का 3 माइनस 129 बाई 8, ये आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट आपको रहे तो एक क्लास और जो है इंटीग्रेशन का जो इनिशियल नॉलेज है, इनिशियल जो नॉलेज है बेसिक नॉलेज जो इंटीग्रेशन से एक क्लास में और कंटिन्यू करेंगे टुमारो या नेक्स्ट टुमारो जो भी हो। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है वो उस मेथड का जानकारी प्रोवाइड करेंगे। उसमें आएगा सब्स्टिट्यूशंस आएगा, पार्शियल आएगा या बाय पार्ट्स आएगा, लेकिन वो तो फिर बाद का है। इन सबसे पहले जो है इनिशियल नॉलेज बेसिक नॉलेज शुरुआती जो ज्ञान है इंटीग्रेशन का इसमें हम दिए हैं और एक दो क्लास में और देंगे इंटीग्रेशन का। इसमें देख लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।